बोर 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 करता है तू बोर। यही गाना आजकल दो चार लोग गाते हैं कमेंट्स में, लेकिन वो भी गलत नहीं है। सब कुछ मोनोटोनस सा हो गया है, कुछ खास अपडेट्स आजकल मिलती नहीं है, तो क्लचेस के सहारे अपनी गाड़ी भगानी पड़ती है। गाड़ी भगाने से याद आया कि गरीना कब अपने इंजन स्टार्ट करके गेम इंडिया में लाएगी, कब खोलेगा इनका खून। अच्छा सही सही बताना एक बात, किस किस को लगता है कि गेम 2 महीने के अंदर वापस आ जाएगा? देखिए तो सही, किसी को उम्मीद भी है या सब होपलेस हो चुके हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आ रही है UK07 के पहाड़ी की तरफ से। यार काफी लोग परेशान रहते हैं कि डिवाइस नहीं है, हम कैसे खेलें? तो पहाड़ी ने गजब का सजेशन दिया है, तुम भी सुन लो। खेलो टूर्नामेंट खेलो, ठीक है। गेम वापस आने वाला है कुछ दिनों में, बताऊंगा नहीं कब आने वाला है, आने वाला है, खेलो। डिवाइस नहीं है भाई, क्या करूं, डिवाइस नहीं है तो नोकिया के फोन में खेलो, खेलो ठीक है, मेरा ले जाओ ये लो, बट खेलो। आरडीपी फैन क्लब, आरडीपी फैन क्लब आ गया, ओ माय गॉड, ये दिन स्ट्रीम पे ला गया, आरडीपी में चाटे चाटे मारूंगा, फिर देखता हूँ आरडीपी का फैन क्लब क्या करता है। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सीधा रॉकी भाई की तरफ से। तो तुम्हें याद होगा कि कुछ दिन पहले फौजी भाई की एक क्लिप दिखाई थी जिसमें उन्होंने लैंडिंग ग्लिच के बारे में बात की थी। उसी क्लिप के बाद मैंने एक सजेशन दिया था कुछ पॉइंट्स काटने का या पेनल्टी लगाने का। तो यार उस पर कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो फाइनली रॉकी भाई सेम चीज करने जा रहे हैं। तो आओ जानते हैं पूरी कहानी रॉकी भाई की जुबानी। हेलो हेटर्स, अरे हेटर्स से कुछ नहीं होता, प्लीज टेक एक्शन ऑन लैंडिंग ग्लिच टीम, प्लीज रॉकी भाई। ठीक है राउंड भाई, हाँ आजकल लोग जो है लैंडिंग ग्लिच कर रहे हैं, कल मेरे को शिकायत आई थी, इस पे एक्शन लीजिए। ओके ठीक है, जितनी भी टीम्स आ रही हैं उनको बोलिए कि आकर, मेरे को पता नहीं है लैंडिंग ग्लिच का मतलब होता है राउंड भाई, डिस्कनेक्ट करके अगर कनेक्ट करते हो आप लॉबी से, तो फैल्कन का इस्तेमाल करके आप 600 मीटर की जगह 1000 मीटर तक जा सकते हो ऐसा। तो इसको थोड़ा जो है प्रतिबंध लगाइए, मेरी ओर से ये गुजारिश रहेगी कि भाई मैं ऑन लाइव स्ट्रीम बोल रहा हूँ, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे कोई भी टीम हो, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, लैंडिंग ग्लिच दो से तीन माइनस कर देंगे पॉइंट जी, अगर जी, दिखा जी, अगर अगर लैंडिंग ग्लिच इस्तेमाल करते हुए आप दिखे, प्रूव हुआ आपका पॉइंट, तो गाइज आप लोगों के पॉइंट डिडक्ट करे जाएंगे। कितने पॉइंट डिडक्ट करे जाएंगे इसका फैसला मैं नहीं, मैनेजमेंट टीम लेगी, लेकिन आपके पॉइंट डिडक्ट होंगे ये बात साफ है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है राणा भाई जनता, जनता ने अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो भाई मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है, ई स्पोर्ट्स की ऑडियंस है तो हम सब है, जनता ने अगर बोल दिया कि गलत है तो गलत है भाई, सबसे बड़ी बात, ठीक है। कल फौजी भाई ने भी शायद लाइव स्ट्रीम में बोला था कि ये चीज गलत है, लैंडिंग ग्लिच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऊपर से जनता ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैं जनता के साथ सहमत होते हुए ये कह रहा हूँ, लैंडिंग ग्लिच का इस्तेमाल जो भी यूज करेगा राउंड भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक उनके कल से एक्शन टोटली नहीं, मेरे हिसाब से राउंड दिखा बस जी राउंड भाई, मेरे हिसाब से एक नियम बना दीजिए कि 10% 10% ऑफ द पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि अगर आपके टोटल इन पॉइंट 70 पॉइंट्स है या 100 पॉइंट है तो आपके 10 पॉइंट घटा दिए जाएंगे, अगर 70 पॉइंट है तो 7 पॉइंट घटा दिए जाएंगे, 10%। आई थिंक ऑडियंस ये सही रहेगा या और भी घटाना? Once more! 10% पॉइंट्स की घटावट सही रहेगी राउंड में, वरना फिर तो क्या होगा कि बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा खेल के भी फिर अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए भले ना तो जी आज के बाद अगर लैंडिंग ग्लिच कहीं पे भी दिखी यहाँ पे, तो मैं ये रूल बना रहा हूँ पब्लिक के सामने ऑन लाइव स्ट्रीम, 10% मार्क घटा दिए जाएंगे, चाहे टीयर 1 2 3 कोई भी टीम हो, क्लियर बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, अगर लैंडिंग ग्लिच का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये ई स्पोर्ट्स है, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलते, ठीक है, आई एम वेरी क्लियर विथ माई वर्ड्स, किसी को चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ऑडियंस ने आपको पकड़ लिया, कल भी शिकायत करी थी उन्होंने, बट कल मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं, क्योंकि कल पहली बार मुझे उस चीज के बारे में अवगत कराया गया, तो मैं खुद ही अगर अनजान हूं तो एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन अब मैं उस चीज से अवगत हो चुका हूं, ये मेरी ओर से सारी टीम से रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, लैंडिंग ग्लिच का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना आगे से रॉकी एंड आरडीएक्स आरएनएक्स के हर एक टूर्नामेंट में आपके 10% उस दिन के 10% अंक घटा दिए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, जिसका नाम है गेस द वॉइस। यहाँ हमेशा की तरह आपको पहचाननी है वॉइस,
जस्ट लाइक केबीसी। कल की आवाज तो थी आरएनटी वाइपर की, आज की आवाज पहचानी है। देखो इतना लंबे बाल वाले को सारे टकले बोलते हो। आपके ऑप्शंस हैं ए देसी गेमर्स, बी WB ड्रैगो, सी अनग्रेजुएट गेमर एंड डी टोंडे गेमर। सही जवाब देने पे मिलेगी मेरी तरफ से खूब सारी दुआएं, क्योंकि अभी उसके अलावा देने के लिए मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे उस लाइक बना सकते हो, तो कर दो फिर। अगली अपडेट है लिडोमा प्रो लीग से। तो डे 4 के बाद भी आरएनटी रुकने का नाम नहीं ले रही है और टॉप पे बनी हुई है। सेकंड पे है ब्लिसमेट्स एंड थर्ड पोजीशन पे है द माफियाज। नेक्स्ट अपडेट है रूटर स्ट्रीमर्स ब्रोल से। तो प्लेन्स डे 2 के बाद टॉप पर है टीम आइकॉनिक, सेकंड पे है BFA एंड थर्ड पोजीशन पे है PVS गेमिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे जिसका नाम है नॉलेज चेक, जिसमें गेम के बाहर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे पता चलेगा कि कहाँ का नज़र रखते हो तुम। तो आज का क्वेश्चन है कि इंडिया का न्यू प्रेसिडेंट कौन है, फुल नेम बताना है। अगली अपडेट है हमारे ऑफिशियल इवेंट्स के बारे में। तो सीरियसली मुझे तो कोई अंदर की बात नहीं पता, लेकिन पहाड़ी खुद ही स्पोर्ट्स खेल रहा है उसे अंदर की बात पता होगी, तो उसने कुछ कहा इस बारे में और सुनते हैं। भाई ऑफिशियल टूर्नामेंट कब से होंगे? ऑफिशियल टूर्नामेंट तो मुस्कान जी होंगे, बस गेम आने वाली है, कुछ टाइम रुको तुम, जैसी गेम आएगी ऑफिशियल टूर्नामेंट चालू। लैन होंगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम अभी से कह रहा हूँ जाओ, प्रैक्टिस चालू रखो यार, प्रैक्टिस मत छोड़ो। अगर किसी को ई स्पोर्ट्स में आना है, कंटिन्यू करना है, तो प्रैक्टिस चालू रखो। जितना ज़्यादा तुम औरों से खेलोगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, ऐसा नहीं कि तुम कस्टम खेल लो पूरे दिन, कस्टम टीटी नहीं बनना, रैंक खेलो, टूर्नामेंट्स खेलो, कोई भी टूर्नामेंट है छोड़ो मत, चाहे वो 1000 रुपये का हो, चाहे वो उसमें T10 की लॉबी हो, बट खेलो। नेक्स्ट अपडेट आरएनटी वाइपर के बारे में। तो उन्होंने बताया कि उनका और TWOB का मैटर सॉर्ट हो गया है। भाई लाइफ पे आप लोगों को जो गाली दिया उसके बारे में कोई ओपिनियन? नथिंग ब्रो, इट्स ओके, इट्स गेम रेज। हर्ष भाई ने आके मेरे को सॉरी भी बोल दिया था, इट्स ओके। ये लोग खेल रहे हैं, हम तो नहीं खेल रहे। हर्ष ने आके मुझे सॉरी भी बोल दिया, उसने बोल भी दिया कि क्या इशू है, उसने सॉर्ट करने का भी ट्राई किया, मैंने भी अपना साइड बता दिया एंड वो पूरा फिक्स हो गया था। WOB के साथ भी कोई इशू है? नहीं ब्रो, WOB के साथ किसी टाइप का इशू नहीं है ब्रो, किसी भी टाइप का इशू नहीं है, आप गलत समझ रहे हो यार। सब कुछ सॉर्ट होने के बाद मेरा रिएक्शन तो ऐसा ही रहता है, उत्सव की तैयारी करो। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे जिसका नाम है प्ले ऑफ द डे। तो आज इसमें एक और बार फीचर होने जा रहे हैं हैक्स KD, और उन्होंने करा क्या है वो आप खुद देखिए। इग्नाइट एक्चुअली 3 किल कैरी कर चुके हैं, उसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्स डिवाइन को सीधा हेडशॉट कनेक्ट किया गया। भाई बे फ्रंट यहाँ पर क्या हुआ एकदम से, बे फ्रंट पे यहाँ पर एक के बाद एक फाइट्स हम लोगों को देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे निग्मा गैलेक्सी से 2 प्लेयर वाइपआउट हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हैक्स भी फाइट लेते हुए दिखाई दे रही है। एंड अब ये माहौल आ चुका है जहाँ पर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगी कि कौन सी टीम किस एंगल में फाइट ले रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लेयर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किल्स कैरी होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माफिया वाइपआउट कर दिए गए, डिलीट यहाँ पर रिटर्न फायर जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट देखने वाली बात है कि क्या किसी को डाउन करने में सक्षम होते हैं अभी नहीं, लेकिन रिटर्न फायर में खुद डाउन हो जाएंगे। और हैक्स यहाँ पर होने वाले जो उनको डाउन कर रही है, डिलीट को यहाँ पर वाइपआउट करने की कोशिश, लेकिन लिखी ने यहाँ पर बहुत ही प्यारा ग्लू वॉल का कवर बनाया जरूर, लेकिन क्लोज रेंज में यहाँ पर मूव किया जा रहा है, उन्होंने फ्रीज ग्रेनेड थ्रो जरूर करा था। उसी के साथ अगर आप देखेंगे एक और प्लेयर को टेक डाउन कर दिया जाएगा जो कि लिखी होने वाले, लेकिन रिटर्न फायर यहाँ पर डिलीट की तरफ से जो दिया गया वो इतना वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन माफिया बाला वंस अगेन अपने टीममेट्स को रिवाइव करते हुए माफिया को यहाँ पर रिवाइव दिया गया एंड माफिया बाला अगेन वहां पर डाउन हो जाएंगे। क्या माफिया यहां से निकलना पसंद करेंगे? जी हां, यहां से निकलना पसंद करेंगे, लेकिन क्या हो यहां से निकलकर अपने टीममेट को रिवाइव दे पाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तान्या जी बिल्कुल, अकेले माफिया किस तरीके से होल्ड करेंगे? माफिया बाला ने पिछले मैच में सही से अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया था, जिसके चलते हमने उन्हें टॉप 5 में देखा एंड यहां पर टीम माफिया एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी एंड हो चुकी है। इस सेक्शन में पहाड़ी का 1v4 भी हो सकता था, बट पता नहीं क्या होता है, पहाड़ी जब भी क्लच करने वाला होता है स्क्रीन उस पे से हट जाती है, सिर्फ किल फीड दिखती है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की थी पहाड़ी की क्लच वाली अपडेट बताने में, बट यार शानदार क्लचेस स्क्रीन पे दिखते ही नहीं है। सही बात है। नेक्स्ट अपडेट है गॉड लाइक के बारे में। कंफर्म न्यूज नहीं है, बट सूत्रों से पता चला कि गोडल को GXR के हीरोज ऑफ द गैलेक्सी से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। किसी को पता हो तो बताना क्या सीन है पूरा।
अगली अपडेट है 4JJ के बारे में। यार वैसे तो टीएम किसी को टूर्नामेंट आजकल जीतने नहीं देती, अब फ्रोलिक प्रोलिक उनके हाथ से निकल गया तो उस पे फौजी भाई सेट दिखे। कॉल में सच्चे टीएम सेकंड, यस गाइस टीएम सेकंड है। मुझे बहुत दुख हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा इतना दुख हो रहा है कि क्या बताएं हम आपको। 6 पॉइंट्स रह गए यार फ्लोरिक विनर। यस गाइस आई एम सैड। जब आप बहुत सारे टूर्नामेंट जीतना स्टार्ट कर देते हो तो यार जीतने की खुशी नहीं होती, लेकिन बीच में एक हार जाओ उसका गम होता है, लेकिन सही है जीतने की ये भूख भी। और हमारा लास्ट सेक्शन है क्रेडिट सेक्शन। तो आज की वीडियो बनाने में हेल्प किया मेरे कुछ भाइयों ने, जिनका नाम है अंकित, रौनक, FF गेमर, तरुण गर्ग, OG रेड सोल और लक्ष्मण। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलेंगे कुछ शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।